नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपकी किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद करती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम आपके लिए भारत के टॉप 10 पावरफुल पोस्ट और उस पोस्ट पे जो अधिकारी हैं उनके बारे में जानकारी लेकर आए हैं। साथ ही आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि किस अधिकारी के पास क्या क्या पावर है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। टॉप 10 पावरफुल पोस्ट की इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का। इंटेलिजेंस के सबसे माहिर खिलाड़ी और भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को कौन नहीं जानता। वर्ष 1968 बैच के केरल कैंडर के आईपीएस अधिकारी रहे अजीत डोभाल 1972 में खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़ गए, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में 7 साल तक अंडरकवर एजेंट के रूप में भी काम किया। आपको बता दें, वर्तमान में अजीत डोभाल भारत के NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। NSA का नाम सुनकर आप सभी जानना चाहते होंगे कि आखिर इस पोस्ट की पावर कितनी है। तो दोस्तों, बात करें इसकी पावर की तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नौकरशाही के मामले में यह सबसे प्रमुख और शक्तिशाली कार्यालय माना जाता है। NSA राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के मुख्य कार्यकारी एवं भारत के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्राथमिक सलाहकार होते हैं। इस पद को सबसे पहले भारत में 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सृजित किया था। वहीं बात करें देश के दूसरे सबसे पावरफुल पोस्ट की तो वो है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया यानी कैबिनेट सचिवालय के अधिकारी। फिलहाल इस पोस्ट पर राजीव गौबा कार्य कर रहे हैं। बात करें राजीव गौबा की तो वह वर्ष 1982 बैच के IAS अफसर हैं। इससे पहले राजीव गौबा शहरी विकास सचिव पद पे थे। वहीं अगर हम बात करें कैबिनेट सचिवालय पोस्ट की तो कैबिनेट सचिवालय केंद्र सरकार में मुख्य समन्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करता है और मंत्रालयों के मध्य के विवादों का निपटाने का काम भी करता है। कैबिनेट सचिवालय संबंध मंत्रालयों, विभागों और अन्य कार्यकारी एजेंसियों द्वारा कैबिनेट के निर्णयों के व्यवस्था पर नजर रखता है। साथ ही कैबिनेट सचिवालय केंद्र सरकार की मुख्य गतिविधियों से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी केंद्रीय मंत्रियों को अवगत कराता है। कैबिनेट सचिवालय सरकारी कार्य से संबंधित नियम तय करता है, साथ ही उन्हें अंतिम रूप देकर और राष्ट्रपति के अनुमोदन से केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों में कार्यों का बंटवारा करने का काम करता है। इसके अलावा कैबिनेट और कैबिनेट समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों का रिकॉर्ड रखना तथा उन्हें सभी संबद्ध मंत्रालयों में परिचालित करना भी कैबिनेट सचिवालय का काम होता है। वहीं इसी कड़ी में तीसरे नंबर पे आता है फॉरेन सेक्रेटरी यानी विदेश सचिव अधिकारी। फिलहाल हमारे देश के विदेश सचिव के रूप में हर्ष बी श्रृंखला कार्य संभाल रहे हैं। भारतीय विदेश सेवा IFS के 1984 बैच के अधिकारी श्रृंखला ने विजय गोखला की जगह ली है। आपको बता दे, श्रृंखला ने ऐसे समय पर इस पद को संभाला था जब भारत के समक्ष विदेश नीति संबंधी कई चुनौतियां थी, जिसमें नए नागरिकता कानून को लेकर कुछ देशों में वैश्विक संस्थाओं की तरफ से भारत की आलोचना भी शामिल थी। हर्षवर्धन श्रृंखला अमेरिका में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। वहीं अगर बात करें विदेश सचिव के पावर की तो कैरियर डेवलपमेंट के तौर पर विदेश सेवा के अधिकारी को विभिन्न व्यापक मसलों पर स्वदेश और विदेश दोनों में भारत के हितों को आगे रखना होता है। इनमें द्विपक्षीय राजनीति और आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश संवर्धन, सांस्कृतिक संबंध, प्रेस और मीडिया संपर्क तथा सभी बहुपक्षीय मसले शामिल हैं। साथ ही अपने दूतावासों, उच्च योगों, काउंसलावासों और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संगठनों के स्थायी मिशनों में विदेश सचिव भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। बात करें चौथे नंबर के पोस्ट की तो चौथे नंबर पे आते हैं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव यानी प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। इस समय इस पद की जिम्मेदारी डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा संभाल रहे हैं। डॉक्टर PK मिश्रा यानी डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा गुजरात कैंडर से ताल्लुक रखते हैं और 1972 बैच के IAS अफसर हैं। डॉक्टर PK मिश्रा
आपात प्रबंधन, ऊर्जा नियामक मसले और आधारभूत संचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रोग्राम्स का प्रबंधन कर चुके हैं। इसके साथ ही पीके मिश्रा अर्थशास्त्र में स्नातक हैं और अर्थशास्त्र में ही उन्होंने मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की है। वहीं अगर बात करें इस पोस्ट की, तो मुख्य सचिव मंत्रिमंडल की बैठक की कार्य सूची तैयार करती है यह पोस्ट और बैठक की कार्यवाहियों का रिकॉर्ड भी रखती है। वहीं इन बैठकों में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करता है। मुख्य सचिव राज्य लोक सेवा के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। वह राज्य के वरिष्ठ लोक सेवकों की नियुक्ति, स्थानांतरण तथा पदोन्नति से जुड़े मसले देखता है। अब बारी आती है पांचवे नंबर की पोस्ट की, जो है गृह सचिव। तो फिलहाल हमारे देश के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला वर्ष 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के असम मेघालय कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। भल्ला अगस्त 2019 में केंद्रीय गृह सचिव के तौर पर नियुक्त किए गए थे। ऊर्जा सचिव रहे अजय भल्ला की बात की जाए तो गृह सचिव की जिम्मेदारी संभालने से पहले वह गृह मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी यानी ओएसडी थे। बात करें गृह सचिव के कार्य की, तो गृह सचिव का काम अपने मंत्री को सलाह देना और सरकार के फैसलों को लागू करवाने का होता है। यही वो कड़ी है जहां स्थायी कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका से जुड़ती है। इसके बाद बारी आती है छठे नंबर के पोस्ट की, जिसमें आता है रक्षा सचिव यानी डिफेंस सेक्रेटरी की। इस समय हमारे देश के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार हैं। डॉक्टर अजय कुमार 50 प्रभावशाली भारतीय 2022 की सूची में 31वें स्थान पे हैं। राष्ट्रीय उत्पादन के क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस एक्सपो जैसे सफल आयोजन करवाने वाले रक्षा सचिव अजय कुमार एक बेहतरीन कार्य करने वाले सचिव के रूप में जाने जाते हैं। अजय कुमार वर्ष 1985 बैच के केरल कैंडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। जानकारी के लिए बता दें, वह भारत के 39वें रक्षा उत्पादन सचिव हैं। चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर अजय कुमार की पोस्ट की। आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए रक्षा सचिव की नियुक्ति होती है। रक्षा सचिव नीति और प्रशासनिक मामलों के सभी पहलुओं पर रक्षा मंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। साथ ही भारत के संसद की लोकरेखा समिति के समक्ष रक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधित्व भी रक्षा सचिव ही करता है। सातवें नंबर पे आता है लोकसभा के महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। इस पद पर वर्तमान में उत्पल कुमार सिंह नियुक्त है। उत्पल कुमार सिंह 1986 बैच में आईएएस अधिकारी बने थे। बीते साल उत्तराखंड के मुख्य सचिव होने के बाद उत्पल कुमार सिंह सेवानिवृत्त हुए हैं। रिटायर होने के बाद भी उनके कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें फिर से अहम पद पर काम करने का सम्मान दिया है और उन्हें लोकसभा में सचिव पद पर नियुक्त किया है। बात करें लोकसभा के महासचिव पद की, तो लोकसभा अध्यक्ष को उनके संवैधानिक और संवैधानिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह में लोकसभा के महासचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों और सचिवालयों के विभिन्न स्तर के अन्य अधिकारी तथा कर्मचारियों का सहयोग प्रदान किया जाता है। इसके बाद आठवें नंबर पे आता है राज्यसभा के महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। फिलहाल इस पद पर पीसी मोदी कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें, पीसी मोदी भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस के 1982 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले पीसी मोदी केंद्र प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के पूर्व अध्यक्ष थे, जिसके बाद इन्हें राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया। बात करें राज्यसभा के महासचिव के पद की, तो महासचिव गुमनाम रहकर कार्य करते हैं और संसदीय मामलों पर सलाह देने के लिए तत्परता से पीठासीन अधिकारियों के लिए उपलब्ध रहते हैं। महासचिव राज्यसभा सचिवालय के प्रशासनिक मुख्य और सभा के अभिलेखकों के संरक्षण भी होते हैं। वह राज्यसभा के सभापति के निर्देश और नियंत्रणाधीन रहकर कार्य करते हैं। वहीं अब बारी आती है नवे नंबर के पद की, जिसमें आता है रेलवे बोर्ड अध्यक्ष यानी चेयरमैन रेलवे बोर्ड। इस पद को फिलहाल विनोद कुमार यादव संभाल रहे हैं। विनोद कुमार यादव 1980 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं। सीईओ नियुक्त किए जाने से पहले
विनोद कुमार 1 जनवरी 2020 को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर दोबारा नियुक्त किए गए थे। वहीं अगर हम बात करें रेलवे बोर्ड अध्यक्ष की, तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सभी सदस्यों के प्रमुख होते हैं और वह रेलवे के सारे फैसलों में शामिल होते हैं। इसके अलावा उनके पास रेलवे के सभी प्रोडक्शन यूनिट DFCCL, रेलटेल जैसी रेलवे की PSU की जिम्मेदारी होती है। इसी कड़ी में अंतिम टॉप 10 पावरफुल अधिकारियों की लिस्ट में नंबर 10 पर आता है वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी। फिलहाल हमारे देश में इस वक्त इस पद पर TV सोमनाथन नियुक्त है। सोमनाथन तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। आपको बता दें व्यय विभाग के सचिव रहते हुए TV सोमनाथन ने कोरोना वायरस महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में आई मांग की कमी को दूर करने के लिए बनाई गई योजना में अहम भूमिका निभाई थी। बात करें इनके पद की, तो वित्त मंत्रालय में सभी सचिवों में सबसे वरिष्ठ को वित्त सचिव नामित किया जाता है। वित्त सचिव भारत के वित्त मंत्रालय का वरिष्ठतम IAS अधिकारी होता है, जो मंत्रालय के विभिन्न विभागों के कामकाज में समन्वय रखता है। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर रहता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप इन सभी अधिकारियों की सक्सेस स्टोरीज या और भी ज्यादा जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।